गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स. आज क्लासेस का नंबर सिस्टम क्लासेस का मैं क्लास लेने जा रहा हूँ. फर्स्ट वीडियो में आपको नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर था, उसी से स्टार्ट किया था, जिसमें इंडियन सिस्टम के बारे में समझाए थे. आज जो ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन के बारे में बता जा रहा हूँ. तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, बिलियन, टेन बिलियन, हंड्रेड बिलियन. तो वंस का जो पीरियड होती है, वंस में वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड में थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन में मिलियन, टेन मिलियन और हंड्रेड मिलियन, बिलियन में बिलियन, टेन बिलियन, हंड्रेड बिलियन. इसको आप जो ऐसे रिमेम्बर रखेंगे, ठीक है. तो आप पहले बोर्ड पर से जो ऐसे आप उसको राइट कर सकते हैं, फिर लिखना है आपको, ठीक है. अब उस पर इस पर जो प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, तो उस प्रॉब्लम पर मैं डिस्कस करूंगा. जैसे 1 लाख इज इक्वल टू 10,000, हम जो बोलते हैं उससे भी लिख सकते हैं. 10 लाख इजकल टू 1 मिलियन, 1 करोड़ इजकल टू 10 मिलियन और 10 करोड़ इजकल टू 100 मिलियन. तो हमको विश्वास है कि आपने लिख लीजिएगा और जो हम बोले हैं उससे आप समझ जाएगा. प्रॉब्लम बेस अब है कि प्लेस वैल्यू. एक तो प्रॉब्लम बेस में इससे भी क्वेश्चन रहेगा चैप्टर में, क्वेश्चन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पर भी आपका प्रॉब्लम चैप्टर बनाने में आएगा. और फिर फाइंड द ऑल नंबर्स ऑफ डिजिट, इसे कहेगा फाइंड द ऑल नंबर ऑफ सिक्स डिजिट. सी डिजिट में, सी डिजिट का कितना नंबर है बताइए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ, है ना, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सी डिजिट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ थ्री डिजिट, हाउ नंबर फोर डिजिट. ये जो तीन ऑन द बेसिस ऑफ यानी 1, 2 जो इसी पर चैप्टर में क्वेश्चन है, ठीक है. इस पर मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ. आफ्टर दैट चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 आप समाप्त कीजिएगा, ठीक है. चैप्टर 1 आप घर पर बैठकर समाप्त कीजिएगा. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम आएंगे, राउंडेड पर आएंगे. आप पहले से भी पढ़े हुए हैं ये सब सारा चीज, आपका वो चैप्टर 1 बन जाएगा इतना बताने के बाद. अब देखिए प्लेस वैल्यू भी जानते हैं. प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आप जानते हैं इसके बारे में, ठीक है. डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइंड प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 in 6 5 4 3 2 1 डिटरमाइन कीजिए. तो इसका आप जानते हैं पहले क्या निकालिएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, वैल्यू ऑफ 3 तो कितना होगा आप पहले जानते हैं. 1, 10, 3 का प्लेस क्या है, 100 में है, तो क्या हो जाएगा 300. फेस वैल्यू ऑफ 3 तो आप जानते हैं फेस वैल्यू क्या होगा, 3 होगा. इसमें क्वेश्चन आएगा डिफरेंस, क्या आएगा डिफरेंस करके क्वेश्चन आएगा. तो डिफरेंस में आप क्या कीजिएगा, 300 - 3, ठीक है, 7, 9, 2 ऐसे करके बनाइएगा. तो इस पर जो चैप्टर में जो क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कीजिएगा. सेकेंड जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, फाइंड द ऑल नंबर्स ऑफ, सेकेंड जो मिलेगा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम टाइप 3 पर बात करेंगे, टाइप 3 पर बात करेंगे, है ना. तो इसमें डिटर, इसमें फाइंड ऑल नंबर्स, क्या रहेगा,
ऑल नंबर्स, फाइंड ऑल नंबर्स ऑफ सिक्स डिजिट ऑफ, सब एग्जांपल में ले रहे हैं, सिक्स डिजिट भी हो सकती है, फाइव डिजिट भी हो सकती है, एनी डिजिट हो सकती है। तो आप लिखिएगा लार्जेस्ट का सॉल्यूशन में, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट, ठीक है, लिखिएगा। हम जो बोल रहे हैं उससे भी आप लिख सकते हैं डिजिट, तो क्या होगा, 1 69 3 3 3। पूछेगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, फिर इसके लिखिएगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट का, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट का लिखिएगा, ठीक है। आप जानते हैं 1 2 3 4 5। इसके बाद निकालना है टोटल नंबर, क्या निकालना है, टोटल नंबर लिखेगा, टोटल नंबर इज इक्वल टू यानी 9 9 लार्जेस्ट ऑफ 3 3 माइनस 1 2 3 4 5, इसमें प्लस 1 करना है, ठीक है, तो आएगा घटा के 8 1 2 3 4